फ्रेंड्स, आपको पता है कि IBA की UFBU की मीटिंग के बारे में मैं पहले भी दो तीन वीडियोस डाल चुका हूं। पहले IBA ने 2% ऑफर लगाया, उसके बाद 6% ऑफर लगाया दूसरी मीटिंग में, तो उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग की डेट उन्होंने लास्ट वीक ऑफ अगस्त रखी थी, लेकिन 18/8 को जो कल मीटिंग हुई है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। उसमें क्या हुआ है, जो पहले भी एक इशू उन्होंने डिस्कस किया था 5-day बैंकिंग का, लेकिन अब 18 तारीख को अवार्ड स्टाफ की, क्लेरिकल स्टाफ की कोर कमेटी मीटिंग की IBA के साथ मीटिंग हुई, जो अवार्ड स्टाफ की यूनियन की कोर कमेटी बनी है उसने IBA के साथ मीटिंग करी और कुछ इशू रेज किए, और कुछ इशू 19/8 को IBA ने अपनी मीटिंग में उन इश्यूज पर एग्री कर लिया है। तो आज में जो एग्रीड इशू हैं और जो कोर कमेटी ने इश्यूज के आगे रखे हैं, जो डिमांड्स उसके आगे रखी हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, इस बटन को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ ही एक बेल का आइकन है उसको भी दबाएं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी जो जो वीडियो में वेज रिवीजन के बारे में डालता जाऊंगा या और भी किसी टॉपिक पर वीडियो डालता जाऊंगा तो आपको मिलती जाएगी। ये लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है, इसके दबाने का कोई खर्चा नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई फीस भरनी नहीं पड़ती है, इसको दबाने में कोई डर नहीं है, इसको दबा दें। हज़ारों लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है लेकिन सिर्फ 200 लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबाया है, तो सभी से निवेदन है कि इसको दबाने में कोई हर्ज नहीं है, दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत शुक्रिया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो उस वीडियो के बारे इसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि 18/8 को परसों IBA के साथ कोर कमेटी, अवार्ड स्टाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग कॉफे परेड IBA हॉल बॉम्बे में हुई, मुंबई में हुई है। जो चेयरमैन राज किरण राय, जो यूनियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो IBA के चेयरमैन भी हैं, उनकी प्रेसिडेंटशिप में, चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुई। तो कई इशू डिस्कस किए गए हैं, उसमें सबसे बड़े बड़े जो इशू हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेम्परेरी वर्क फोर्स। टेम्परेरी स्टाफ को पक्का करने के बारे में जो बात यूनियन ने डिमांड करी है, तो उसके लिए IBA ने उसी टाइम जवाब दिया कि ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक काम होगा। कुछ इशू जो उन्होंने पेंडिंग रखे हैं वो है ग्रेचुटी, मेडिकल, फैमिली पेंशन, पेंशन और सबैटिकल लीव। इसके बारे में IBA ने ये कह दिया है कि भाई ये गवर्नमेंट की जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे रिजर्व बैंक है, उसकी परमिशन के बिना ये सारा कुछ इशू एग्री नहीं किए जा सकते। एक उन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसी का 600 रुपया पर मंथ क्लरिकल स्टाफ को देने की बात करी है। उसके बाद उन्होंने कुछ लीव फेयर कंसेशन, LTC लीव ट्रैवल कंसेशन जिसको कहते हैं, जिसको बैंक में LFC कहते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करी है। पहले ये 3900 किलोमीटर हुआ करता था, अब ये अवार्ड स्टाफ के लिए 4400 किलोमीटर कर दिया है। 4 साल के बाद जो जाएगा वो 4400 किलोमीटर का फेयर लेगा, जो 2 साल के बाद जाएगा वो 2200 किलोमीटर का लिया, जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसके लिए 5100 और 2550 किलोमीटर कर दिया गया है। साइट सीइंग सबसे बड़ी चीज़ है, जो LFC पे जाता है वो लोकल साइट सीइंग करता है, वो म्यूज़ियम देखता है, ज़ू देखता है, पार्क देखता है, टैक्सी हायर करके कहाँ कहाँ जाता है, तो ट्रैवलिंग की बस में जाता है, तो बैंक उसको साइट सीइंग का बिल पे नहीं करता था, लेकिन इस बार IBA ने एग्री कर लिया है कि ओवरऑल बिल में, उसकी जो ओवरऑल इंटाइटलमेंट है उसमें लोकल साइट सीइंग पेएबल है। बोट में जाना, एक आईलैंड से दूसरे आईलैंड में जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकल साइट में, तो सारा कुछ पेएबल हो जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये विद इन लिमिट है सारा कुछ। उसके बाद उन्होंने डिपेंडेंट पेरेंट्स का जो डेफिनेशन है, जो LFC पे हम पेरेंट्स को साथ ले जाते हैं, लेकिन वो पेंशनर है या बिजनेसमैन है जो उसकी इनकम
10,000 से होती, अब उसको 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। अगर 12,000 किसी पेरेंट्स की इनकम है तो वो डिपेंडेंट हैं, वो एलएफसी पे जा सकते हैं। बाकी के अलाउंसेस जो हैं, जैसे साइकिल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, सबॉर्डिनेट स्टाफ के जितने भी अलाउंसेस हैं, उन सबको 15% बढ़ा दिया गया है और आईबीए ने इस पर एग्री भी कर लिया गया है। उसके आगे का इशू था डीए लिंक पेंशन। एनपीएस के अंदर जो पेंशन पे होती है उसका सर्विस चार्ज जो एम्प्लॉय को भरना पड़ता है, पेंशनर को भरना पड़ता था, आईबीए ने इस पर एग्री कर लिया है कि सर्विस चार्ज विल बी बोर्न बाय बैंक, बैंक उसका खर्चा पे करेगा। अब एक और इशू जो कोर कमेटी ने रखा है अवार्ड स्टाफ की, वो है रिवाइज डीए फार्मूला। और इस रिवाइज डीए फार्मूला ने में कोर कमेटी ने ये डिमांड किया है कि हमारे को प्राइस राइज के अगेंस्ट कंपनसेट किया जाए। मान लीजिए 1 रुपया प्राइस बढ़ता है तो हमारे को 50 पैसे मिलते हैं या 60 पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राइस राइज ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए कंपनसेशन फार्मूला बनाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने यूनियन से कहा है कि आप हमारे को डिटेल्ड नोट बनाकर सबमिट करें कि आप कैसा कंपनसेशन चाहते हैं, किस बेस पर चाहते हैं और प्राइस इंडेक्स किस साल का फिक्स किया जाए। उसके आगे है क्लैरिकल स्टाफ की ट्रांसफ़र। इस वेज रिवीजन में क्लैरिकल स्टाफ को 100 किलोमीटर तक दूर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसमें उन्होंने ये डिमांड किया है कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो उसको काट कर लीज्ड अकोमोडेशन दे दी जाए और उसकी रसीट प्रोड्यूस करने पर उसकी लीज्ड अकोमोडेशन की पेमेंट की जाएगी, ये उन्होंने एग्री कर लिया है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसमें भी 15% की इंक्रीज कर दी गई है। तो ये मेन इशू डिस्कस हुए हैं। उसके बाद जो है इशू एक और है, उनकी जो नेक्स्ट मीटिंग अगस्त की जगह उन्होंने सितंबर 2018 रखी है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2018 है। तो 5 नेगोशिएशन हो चुकी हैं। पिछली वेज रिवीजन में 15% की इंक्रीज हुई थी तो इस बार कोर कमेटी ने 25% की डिमांड करी। पर आज जो मेन इशू है, इस कोर कमेटी ने 5-day बैंकिंग का इशू दोबारा नहीं उठाया है। आईबीए के साथ उन्होंने 5-day बैंकिंग की बात ही नहीं करी है, 25% इंक्रीज पर जोर दे दिया है और लीव इम्प्रूवमेंट में करा है। जो कैजुअल लीव 10 की बजाय 12 की बजाय 15 लीव का प्रपोजल रखी है और उन्होंने 7 मंथ्स की लीव इकट्ठी करने की प्रपोजल भी रखी है। तो सबैटिकल लीव का भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। तो ऐसे ऐसे इशू चलते जा रहे हैं। मुझे आशा है कि जो आज का जो अपडेट है आपको अच्छा लगेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करोगे और सभी ग्रुपों में सभी ट्वीट करेंगे, सभी जगह पर इसको शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।